ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी मुझे मेरे योगा ग्रुप से मिली है, तो मैं ये शेयर करने के लिए आई हूँ आपके साथ। ये जानकारी ये है दोस्तों कि जैसे हम जिंदगी में कभी ना कभी हमारे हमारे खाने के साथ या किसी भी तरह से हमारे खाने के साथ ही, जैसे हम कुछ खाते हैं, कई बार हमारे रोटी में या सब्जी में हमारे पेट में बाल चला जाता है, समझ गए। जो ये जानकारी मुझे मिली है बड़ी इम्पोर्टेंट है आपके और मेरे सभी के लिए, तो जरा पूरी जरा ज़्यादा देर की कोई बात नहीं है, जरा सी सी बात है, पूरा ध्यान से सुन लिया करो, वीडियो को पूरा देख लिया करो, समझ गए। बिल्कुल कोई ऐसी, ये सारी जानकारी फ्री में देते हैं यार दोस्तों हम, आपसे ला ला के ढूंढ के है ना आपके साथ शेयर करते हैं, और आप वीडियो को पूरा पूरी ध्यान से बात ही नहीं सुनते हो, तो पूरा देख लिया करो, पूरा सुन लिया करो बात को, जब भी पूरी जानकारी मिलेगी ना हैं। तो दोस्तों मैंने कई बार हर वीडियो में कई बार बताया होगा कि मैं योगा ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, बहुत सारी 5,000 लेडीज़ का ग्रुप है जो वहाँ से, जो वो बहुत सारी आयुर्वेद वैसी चीज़ें भी, हर्बल ऑर्गेनिक चीज़ें बेचते रहते, बताते रहते हैं, ऐसे ऐसे सारे टिप्स और ये जानकारियाँ देते रहते हैं सेहत के लिए, ब्यूटी के लिए, है ना। तो दोस्तों जैसे हम और आप सभी हमारे पेट में कई बार जैसे बाल चला जाता है खाने के साथ, कई बार हमें पता नहीं लगता, वैसे तो बाल एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, हम इतनी मुर्गे बकरे बहुत बड़ी बड़ी कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो हमें क्या कहें पता भी नहीं चलता है ना, और ज़रा सा बाल कितना, समझ सकते हैं ना बाल कितना बारीक है, कितना पतला सा बाल है, और वो हमारे मुंह में आ जाता है कई बार, और हमें एकदम से पता चल जाता है कि हमारे मुँह में बाल गया है, और उसे हम खींच के फेंक देते हैं, है ना। हम तो कई बार चाहे हम अंधेरे में आटा गूंथ रहे हो और हाथ में हमें हाथ से फील हो जाएगा, हम आटा गूंथ रहे हो ना कई बार, और आटा ऐसे करके गूंथ रहे हो और कोई बाल हो ना उसमें, हमें हाथ से फील हो जाएगा और मैं अंधेरे में ही निकाल के डाल देंगे, समझ गए। तो बाल एक ऐसी चीज़ है, और हम कुछ भी चीज़ खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं ना जैसे, और हमारे मुंह में बाल आ जाए तो हमें एकदम पता चल जाता, पर कई बार बाई चांस हमारे पेट में चला जाता है कभी ना कभी ज़िंदगी में सिर का बाल हमारे सभी के पेट में रोटी के खाने के जरिए। तो वो बाल दोस्तों, उन्होंने ये बताया है कि वो बाल, अगर जो बाल हमारे किसी के जो इंसानों के पेट में जाता है ना बाल, बाल कब पेट में कभी ना तो वो गलता है और ना ही निकलता है, समझ गए। ये बात सुन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे पूरा ध्यान देना, ठीक है। यानी कि जैसे कुछ भी चीज़, जैसे कि कभी भी जिंदगी में कहीं कभी भी किसी भी चीज़ में, किसी के भी पेट में अगर बाल चला गया ना, तो वो कभी ना तो वो जैसे कि भाई टॉयलेट करते हैं तो ना तो वो टॉयलेट के जरिए निकलेगा, ना ही वो गलेगा पेट में, समझ गए। और जैसे धीरे धीरे, चाहे इतना बड़ा बाल हो, चाहे इतना बड़ा हो, चाहे छोटा सा हो, जब हम कुछ खा रहे हैं तो वो किरचे किरचे टुकड़े टुकड़े होकर जाएगा या कुछ भी पेट में, ये बता रहे थे क्योंकि वहाँ पर बताते भी रहते हैं ना कि पेट में बाल जमा होते रहते हैं, समझ गए भाई। बहुत ज़्यादा तो बाल हमारे पेट में नहीं जा सकते क्योंकि हमें एकदम पता लग जाता है कि जब भी हम खाना खा रहे हैं और बाल अगर हमारे पेट जरा सा मुंह में आ गया तो पता लग गया, बाई चांस जो बाल नहीं हमें पता लगता, समझ गए, गलती से जो हमारे पेट में अंदर चला जाता है, वो धीरे धीरे कहते हैं वो पेट में ना बाल जमा होते रहते हैं, ना वो गलते हैं ना वो टॉयलेट के सहारे निकलते हैं, समझ गए। तो उनके लिए क्या करना चाहिए, उन्होंने ये बताया है उनके लिए क्या करना चाहिए, कि जब भी कहते हैं ना कि सब कुछ ऐसा कुछ ये अनहोनी होनी सब कुछ अगर ये बनाई है ऊपर वाले ने, तो इनके यहाँ तोड़ भी बनाया है, अगर बीमारी बनाई है तो इनकी दवाई भी बनाई है, इलाज भी बनाया है, हर चीज़ का तोड़ बनाया है ऊपर वाले ने, समझ गए। यानी कि ये गल सकता है ना, कुछ हो सकता है, तो इसके लिए देखो ना कि उन्होंने ये बताया है कि चाहे साल में एक बार, साल में दो बार, 6 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में, 15 दिन में, कभी भी जब भी आपको जामुन मिल जाए तो 50 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम जामुन लेके, यानी कि 10-15 जामुन, 8-10 जामुन लेके ज़रूर खा लिया करें, चाहे काला नमक लगा लो, चाहे कैसे भी लगा लो, टेस्टी लगती हैं, मीठी आती हैं, कई बार तो मोटी मोटी मीठी आती हैं, और देसी जामुन मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, क्या कहने हैं, देसी जामुन ज़्यादा खानी चाहिए, समझ गए दोस्तों। देसी जामुन भी दोनों तरह की आती है, मोटी भी आती हैं और थोड़ी सी खट्टी खट्टी सी भी आती हैं, बारीक बारीक सी भी आती हैं, ठीक है। तो कह रहे थे कि साल में 2-3 बार जामुन ज़रूर खानी चाहिए हर किसी को, ताकि जिस जिसके पेट में भी, अगर हर इंसान के पेट में बाल चला जाता है कभी ना कभी धोखे से, कैसे ना कैसे करके, किसी ना किसी चीज़ के जरिए, वो बाल जामुन
जामुन की वजह से वो बाल का अंदर खात्मा होता है, समझ गए? यानी कि वो बालों को इकट्ठा नहीं होने देगा। जो भी कोई बाल होगा, इसमें ये सारा लिखा हुआ पोस्ट में बताया दोस्तों उन्होंने लिखे, साल में एक बार ही कम से कम 5 जामुन अवश्य खाएं। हमारे भोजन के साथ कई बार अनजाने में पेट में बाल चले जाते हैं और जमा हो जाते हैं, होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं। ये निकलते नहीं हैं, ना किसी दवाई से गलते हैं और ना अपने आप। परंतु 5 जामुन एक बार ही खा लेने पर 2 ये गल जाते हैं। जामुन अवश्य खाएं, समझ गए? यानी कि अगर आप 7-8 जामुन एक बार में ही अब खा लेते हो, 7-8 जामुन कितनी होती है, जरा सी सी होती है ना। अगर आप 8-10 जामुन खा लो, यानी कि 50 ग्राम जामुन अगर आप खा लो, आपके बाल, आपके पेट में चाहे 4-5 बाल हों, जमा हो रहे हों बाल हों, या 1-2 बाल हों, जितने भी बाल जो होंगे, ये वो बाल जामुन से गल जाएंगे। जामुन इन बालों को गला देगी। समझ सकते हो कि जामुन कितनी फ़ायदेमंद है। आप तो जो डायबिटीज़ वालों को भी कितना बताते हैं जामुन का, है ना, जामुन का जूस डायबिटीज़ वालों को बताते हैं। समझ सकते हो ना कि ये पेट में जामुन, सोचो अंदर पेट में कितना बढ़िया काम करती है जामुन हमारे पेट के लिए, कितनी लाभदायक है, कितनी ही बहुत ही बेनिफिट वाली है, बहुत ही फ़ायदेमंद है पेट के लिए, हमारे अंदर सभी ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन हैं हमारे अंदर, सभी के लिए जामुन कितनी बढ़िया है अंदर से कीटाणुओं को। सोचो ना, जब बाल को गला देगी, बाल जब किसी चीज़ से नहीं गलेगा हमारे पेट में, और जामुन गला देगी, तो समझ सकते हो ना कि ये जो भी कुछ डेड चीज़ होगी हमारे अंदर, जो हमें नुकसान पहुँचा रही होगी, डेड सेल को भी मारती है, हैं, डायबिटीज़ तक के कीटाणुओं को और उनको होने वाली जो दिक्कत होती है उसको ख़त्म करती है। तो समझ सकते हो दोस्तों, तो मैंने बताया था ना कि बड़ा छोटा सा और सिंपल सी जानकारी है बिल्कुल, पर और ना कोई खर्चा ज़्यादा है, ना ज़्यादा महंगी होती है दोस्तों, ज़्यादा महंगी भी अब तो दवाइयों के जरिए बिक रही हैं, तो महंगी तो दोस्तों वैसे भी अगर हमने 1 महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में या 6 महीने में अगर हमने 50 रुपये की खा भी ली, 10-20 रुपये की अगर खा भी ली, तो कोई बड़ी बात नहीं है, दवाइयाँ भी तो खाते हैं ना। तो कब जब भी याद आ जाए कभी आपने 10-20 रुपये की ली और खा ली, समझ गए? जामुन हमारे पेट के लिए, तुम्हारे हमारे सभी के पेट के लिए ये एक बहुत ही, कहते हैं ना, रामबाण, एक बहुत ही, एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक औषधि का काम करेगी ये जामुन हमारे, तुम्हारे पेट के लिए, और बहुत सारी बीमारियों से बचाएगी। और देखो ना कितना बड़ा, सिर्फ मेन मैंने बाल के लिए बताया कि बाल हमारे पेट में किसी ना किसी जरिए से अंदर जाते रहते हैं, इसमें उन्होंने स्पेशली बताया कि वो गलते नहीं हैं कभी भी बाल, और वो इकट्ठे होते रहते हैं, ना ही वो निकलते हैं, ना ही वो निकलते हैं टॉयलेट के ज़रिए। और वो जैसे आप जामुन खाते हो, जब भी एक ना एक सीज़न में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आती रहती हैं दोस्तों कि हमारे पेट में कुछ ना कुछ अनजाने में क्या ना क्या, किस कौन कौन सी चीज़ें नुकसान, या दोस्तों है ना, जब भी कहते हैं ना है कि लोग सिर में दर्द होता कई बार, और जैसे मैंने मेरे भाई के सिर में दर्द होता था, उसे पता नहीं था, गाँव से आया था और वो दवाई लेके खा लेता था, केमिस्ट से दवाई लेके खा लेता था, उसे पता ही नहीं था कि ये बीपी है, और था उसे बीपी, है ना, अनजाने में उसे ये पता नहीं था, है ना, तो वही है ना चेक करवाया था, तो बस उसे जब बीपी इतना बढ़ गया, उसे पता ही नहीं चला, वो समझता था कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, उसकी तो नस फाड़ दी उसने बीपी ने। तो ऐसा होता है दोस्तों, कई बार बहुत छोटी ही प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, तो इसलिए छोटी ऐसी ऐसी चीज़ें ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। ये जानकारी बहुत ही बढ़िया थी आप सभी के, मेरे लिए सभी के लिए बहुत ही बढ़िया जानकारी है, और बहुत ही आसान है, ये भी नहीं है कि आप और हम इसे नहीं कर सकते, है ना। तो बहुत सारी बीमारियां ये ख़त्म कर सकता है जामुन, जो है हमारे पेट के लिए बहुत ही बढ़िया है। जब भी कभी कहीं मिले आपको देसी जामुन या जैसी मर्जी जामुन, जैसी मर्जी जामुन लें, और उसको पहले वॉश करें, अच्छे से साफ़ करें, ड्राई करें, और फिर उसको हल्का फुल्का काला नमक लगा के खाएं, तो टेस्ट डबल कर देगी। और नमक ना भी लगाओ, आलसी हो तो कोई बात नहीं, वैसे ही खा लो, सब कुछ बढ़िया कर देगी। और मेन बालों के लिए दोस्तों, जो बाल हमारे पेट में इकट्ठे होते रहते हैं, जब वो अगर बहुत सारे हो गए, बहुत जाला सा बन, सोचो ना, वो भी तो कुछ ना कुछ पेट में अंदर बीमारी या कुछ आंत पे चिपट सकता है, या कहीं भी ऐसी जगह लग सकता है जहां पर बहुत मुश्किल कुछ हो सकता है। तो ये है ना बहुत ही बढ़िया जानकारी दोस्तों, आप सभी को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, और वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल भी मत जाना, वीडियो को किसी के साथ हो सके तो शेयर भी कर देना दोस्तों। मैं ऐसे ही सिर से लेके पैर तक बहुत ही बढ़िया वीडियो लाती रहती हूँ अपने चैनल पर, ब्यूटी से और सेहत से रिलेटेड।
डालती रहती हूँ रोज़ाना, तो इसलिए आपको मुझसे जुड़ना चाहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। तो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू सो मच।